हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखेंगे HTML सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। ये आपका एक HTML का एक परफेक्ट बिगनर के लिए है, ठीक है। जो इस वीडियो को देख लेगा बिगनर तो समझ जाएगा कैसा कैसा सिंटेक्स यूज होता है आपके HTML में। तो मैं आज यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ। तो सबसे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML से, ठीक है। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। ये हम लोग को वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। इट्स प्रोवाइडर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर आवर वेबसाइट, ठीक है, आवर वेबसाइट, अपने हम लोग के वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। HTML हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले यूज होता है HTML फॉर स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा आपका CSS आपका यूज होता है। CSS इसलिए यूज होता है क्योंकि आपके वेबसाइट में स्टाइल देने के लिए, और जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट को बिहेव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इससे पहले जावास्क्रिप्ट का पूरा प्लेलिस्ट आपको बना के अपने कोडो गोल्ड चैनल पे एक्सेस करा दिया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसे दिखता है HTML, ठीक है। ये वर्जन 5 है HTML का। तो डॉक टाइप हम लोग क्यों लिखते हैं, डॉक टाइप किसी भी HTML का लैंग्वेज कैसे कौन सा यूज कर रहे हैं उसके लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए HTML लैंग्वेज इन, इन मतलब इंग्लिश, ठीक है। फिर हेड, हेड हमारे यूजर के लिए यूज होता है, जो प्रोवाइड करता है उसको इंफॉर्मेशन हमारे सॉरी वेबसाइट के बारे में। तो मेटा, मेटा क्या होता है, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर, ठीक है। जो ये वेबसाइट सर्वर पर जब जाएगा तो जब एक यूजर एक्सेस करेगा तो कैसा दिखेगा ये बताता है मेटा, ठीक है। टाइटल, अब देखते हैं टाइटल क्या होता है। टाइटल अपने वेबसाइट का, वेब पेज का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर इन सॉरी लेक्चर ऑफ HTML लिख देते हैं, ठीक है। HTML का मैं लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हेड, फिर बॉडी, बॉडी में हम लोग आता है कि मेन कंटेंट, मुझे वेबसाइट कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या चीज कहाँ रहना चाहिए, वो सब हम लोग बॉडी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉडी में कौन कौन सा टैग यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग, ठीक है। हेडिंग, जो हम लोग हेडिंग देते हैं किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी हेडिंग देते हैं हम लोग, तो कैसे हम लोग देते हैं, तो इसके लिए हम लोग H1 टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देते हैं HTML, ठीक है। और जब इसको सेव करके Ctrl+S से और इसको लाइव करेंगे तो देखते हैं वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन साइड ही में कर रखा है आप लोग के लिए। तो जब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे HTML आ गया, यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं। तो H1 का हमारे पास 6 टाइप होता है, ठीक है। H2 होता है, H2 में भी HTML लिखते हैं हम लोग। फिर आता है H3, मतलब वो बड़ा से छोटा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा, H3 लिखते हैं HTML, ठीक है। फिर यहाँ पे H4 आता है, H4 में भी HTML, इसका मतलब साइज H1 का 24 पिक्सल रहता है और H6 का आपका कितना रहता है, 4, सिर्फ 4 रहता है, ठीक। तो HTML 5 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी HTML। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसा कैसा साइज आपको दिखेगा, आप मतलब H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। सबसे छोटा अगर कोई भी हेडिंग आपको देना हो, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कुछ भी, तो आप H6 से भी दे सकते हैं। हेडिंग का एक मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हेडिंग से ही आप गूगल पे ज़्यादा रैंक ला सकते हैं। रैंक मतलब कोई भी बंदा अगर कोई टॉपिक, जैसे कि बोल दिया लेक्चर ऑफ HTML, तो अगर मैंने H1 में लेक्चर डाल दिया यहाँ पे लेक्चर ऑफ HTML, तो आप सबसे पहले आपका जो वेबसाइट रहेगा वो रैंक करेगा, ठीक है, सबसे पहले रैंक करेगा। तो यही हमारा H1 का मेन फंक्शन होता है, और एक हेडिंग प्रोवाइड तो करता ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक बार साइज देख लेते हैं सबका। तो फिर से एक बार हम लोग सबका साइज देख लेते हैं। देख आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए HTML बड़ा छोटा 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 होता ही रह गया। ठीक है, यहाँ तक देखिए छोटा हो गया, सबसे छोटा। तो यही हमारा इसमें रहता है हेडिंग। ठीक, अब आपके पेज का हेडिंग या कोई भी टॉपिक जो आप हेडिंग में दिखाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कुछ अगर लिखना हो तो हम लोग यूज करते हैं पी टैग। पी टैग क्या होता है? एक पैराग्राफ टैग जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ के कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, पैराग्राफ टैग कैसे लगाते हैं। तो पैराग्राफ टैग हम लोग पी से मेंशन करते हैं, पी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ टूडे आई एम प्रोवाइडिंग फुल लेक्चर ऑफ HTML। ठीक है, तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक, इसको सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे पोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी लाइव करते हैं यहाँ से। तो देखिए वहां पे लिखे टुडे आई एम प्रोवाइडिंग फुल लेक्चर ऑफ HTML। ठीक, तो कोई भी कंटेंट लिखने के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब पी के बाद आता है अगर मुझे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक लिख दे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिख दे लॉरेम 4। ठीक, और लिखते हैं बड़ा लॉरेम इंटू 4। ठीक, मान लीजिए इतना बड़ा पैराग्राफ हम लोग लिख दें। ठीक, और देख सकते हैं आप कि इतना बड़ा हमें आ गया। और इसको आपको ब्रेक करना है कि मतलब इन ऑर्डर बनाना है कि 1 2 3 सब इसको दे। तो इसके लिए हम लोग को BR टैग यूज कर सकते हैं। BR स्टैंड फॉर ब्रेक टैग। कोई भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, BR टैग। ठीक, मान लो जहाँ यहाँ यूज कर दिए, यहाँ पे यूज कर दिए BR टैग, तो ये हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूज कर दिया, फिर यहाँ पे यूज कर दिया। तो अब इसको सेव करके देखते हैं। तो देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे लाइन कटा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया। और भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर लीजिए BR टैग। ऐसे हम लोग लाइन ब्रेक करते हैं। ठीक है, कि इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक, यहाँ पे हम लोग BR टैग यूज कर देते हैं। यहाँ पे BR टैग यूज, मतलब BR टैग लाइन ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे तो देखिए कैसे टूटता गया, लाइन टूट रहा है। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, लाइन ब्रेक हो रहा है बार बार। ठीक, ये हो गया पैराग्राफ टैग जिसमें हम लोग कोई भी कंटेंट लिखते हैं। अगर इसमें आप हेडिंग देना चाहें तो यहाँ पे H1 लिख के हेडिंग लिख लेते हैं लॉरेन। ठीक, तो ये भी सेव करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे लॉरम करके इसके बारे में सब आ गया नीचे। तो ऐसे हेडिंग और पैराग्राफ टैग यूज होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक, दोनों को। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी लेटर को बोल्ड या इटैलिक या कैसे एक डेकोरेटिव वे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं हम लोग। इसमें लॉरेम लॉरेम 5 लॉरेम 4 लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोल्ड लिखने के लिए हम लोग को बी टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बोल्ड के लिए हम लोग को बी टैग यूज करना पड़ता है। मर्ज का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। तो एक वर्ड के पीछे मतलब जो वर्ड आप करना चाहते हैं बोल्ड उसको आप लिख सकते हैं सीधे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो इप्सम है ये आपका बोल्ड में आएगा। देखिए इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ देखिए लॉरेन उसके बाद डॉलर सेट आ गया। ठीक है, कोई और टैग मैंने यूज कर दिया इटैलिक टैग के लिए, आई सॉरी आई टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया लॉरेम। ठीक,
इसको सेव किया तो देखिए यहाँ पे इटैलिक वे में लॉरम लॉरम डॉलर सिट आ गया। अगर हम लोग को ब्रेक करना है, अरे बोल्ड करना है, तो बी टैग, जैसे बी टैग इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉरम लॉरम डॉलर यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आपको ऐसे नहीं, एक लाइन में आप लोग को जैसे कि बोल्ड हो गया, कॉपी करते हैं यहाँ से इसको, फिर यहाँ पे इटैलिक लिखते हैं। इटैलिक में कैसा, इटैलिक के लिए हम लोग आई यूज करते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ इटैलिक के लिए हम लोग आई यूज करते हैं। उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं सीटीआर प्लस बी से, और फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूएल फॉर अंडरलाइन, ठीक है। यूएल किसी भी वर्ड के को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूएल टैग यूज करते हैं, ठीक है। सब में स्पेस देते रहे हम लोग, ठीक, ये थोड़ा सा स्पेस दिखे। अब इसको जब सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरम लॉरम आपका सब वे में दिख रहा है। देखिए पहले हमें आपका लॉरम बोल्ड दिख रहा है, फिर इटैलिक दिख रहा है, फिर लाइन ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे एक क्या कैसे अब देख सकते हैं आप लोग, सॉरी यूएल टैग नहीं यू टैग यूज होता है, ठीक है। तो सबसे अब देखते हैं किसी भी इमेज को बड़ा छोटा करना हो किसी भी वर्ड को तो कैसे करेंगे, ठीक। तो किसी वर्ड को अगर आपको बड़ा छोटा करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो बड़ा कोई भी वर्ड को बड़ा करने के लिए हम लोग को बिग टैग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेनली सी एस एस में किया जाता है, मगर आप एच टी एम एल में भी जान जाए, ठीक है। तो सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉरम सबसे बड़ा दिखने लगा, ठीक। अगर स्मॉल करना हो तो हम लोग स्मॉल टैग यूज करते हैं, ठीक। तो स्मॉल अगर करना हो तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे, ठीक है, स्मॉल टैग, स्मॉल टैग, ठीक। इसको भी सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉरम सबसे छोटा दिखने लगा। थोड़ा स्पेस दे देते हैं कि क्या वो लोग क्लियर हो जाए, ठीक। सेव करते देखिए यहाँ पे स्पेस भी आ गया, बड़ा छोटा भी दिखने लगा। ये सब में से देखिए यहाँ पे जो चौथे नंबर पे लॉरम है सबसे बड़ा दिख रहा है, ये ऊपर के भी चार देख ले, उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे सबसे चार बिग जब टैग यूज कर दिया तो हम लोग को सबसे बड़ा लॉरम दिख रहा है, और स्मॉल में यहाँ लॉरम सबसे छोटा दिख रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए एक होता है एच आर टैग, एच आर टैग होता है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रूलर यूज टू सेपरेट कॉन्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पैराग्राफ बना लेते हैं लॉरम 5 से, ठीक। अब इसमें एच आर टैग फॉर हॉरिजेंटल रूलर, ठीक है, हॉरिजेंटल रूलर के लिए हम लोग एच आर टैग यूज करते हैं, एच आर और एच आर, ठीक है, एच आर टैग, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखिए यहाँ पे लॉरम इप्सम के बाद एक देखिए लाइन जो यहाँ पे बना हुआ है वो सिर्फ एच आर टैग के लिए, एच आर टैग के वजह से बना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि डॉलर सेट आ गया नीचे और ऊपर यहाँ पे लाइन मतलब सेपरेट हो गया है दोनों का, ठीक है। तो यही आपका एच आर टैग करता है। फिर आप लोग देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको एच टी ओ का फॉर्मूला लिखना हो तो आप देखते हैं कि कैसे लिखेंगे भाई, एच टी एम एल का फॉर्मूला हमें लिखना रहता है या किसी भी नंबर का पावर देना रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज को स्क्वायर करना हो तो कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ लॉरम 5 से, ठीक है, मतलब लॉरम का 5 वर्ड आ जाए, लॉरम 5, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज करके, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे डॉलर में, डॉलर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट लिखते हैं,
इसमें हटा दें, सब स्क्रिप्ट नहीं सब सिर्फ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सब लिखते हैं और इसको डॉलर को इसके बीच में कर देते हैं। ठीक है, डॉलर को ठीक। उसके बाद हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आया भाई इतना करने पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर इस लाइन से नीचे आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट, किसी भी नंबर के नीचे। मान लीजिए अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक और लिख के, हेडिंग मेन हेडिंग में लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। अगर मुझे सी एल क्लोरीन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे क्लोरीन का फॉर्मूला। तो सी एल, उसके बाद हम लोग लगा देंगे सब टैग को और इसके बीच में लिख देंगे टू, और इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ देखिए सी एल टू का लिखा गया। ऐसे हम लोग किसी भी फॉर्मूला या प्रोजेक्ट में कोई भी चीज को लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी वर्ड के पावर देने, जैसे कि एक्स पावर 9, 10, 11 आप लोग ने मैथ में भी पढ़ा होगा, तो वैसे ही हम लोग देते हैं पावर देते हैं सुपर टैग के मदद से। तो सबसे पहले लिख देते हैं पावर टू द एक्स वैल्यू। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स। अब एक्स के पावर कितना लोग दे सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आगे सुपर की लिख देता हूँ, सब सुप लिख देता हूँ। उसके बाद इसमें कितना पावर देना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 100। इसको सेव करते हैं तो देखिए पावर टू द वैल्यू एक्स वैल्यू इज एक्स टू पावर 100। ऐसे हम लोग पावर देते हैं। ठीक है, आपने देखा कैसे हम लोग देते हैं एक सब स्क्रिप्ट से नीचे वैल्यू और सुप स्क्रिप्ट से ऊपर वैल्यू कैसे देते हैं, तो आप लोगों ने ये भी देख लिया। अब इसके बाद आता है प्री टैग। ठीक है, प्री टैग होता है क्या है, यूज टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट हैज इट विदाउट इग्नोरिंग स्पेस। मतलब किसी भी टेक्स्ट के बीच में ये स्पेस नहीं छोड़ता, ठीक है, इग्नोर नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्री टैग। ठीक है, प्री टैग के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्री टैग हम लोग कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं, इसको लिखते हैं प्री से, प्री बंद करते हैं। उसके बाद लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं दिस इज सैंपल। ठीक, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग को भी यूज कर दूं, ठीक, ब्रेक हो गया। मगर आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसका जो लेंथ का ब्रेथ है, मोटाई है, वो देखिए कम है और यहाँ देखिए इसका ज्यादा है, तो ये मेन डिफरेंस कर देता है। ठीक है, एक प्री टैग। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टैग के बारे में। नेक्स्ट टैग आपका आता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, पेज लेआउट क्या होता है, तो मतलब किसी भी, आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4 नंबरिंग में होता है कोई एबीसीडी या कोई डॉट वैल्यू, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे, उसे बोलते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट हम लोग एक टॉपिक ले देते हैं H1 बना के, H1 पेज लेआउट। ठीक, अब पेज लूट हो सॉरी पेज लेआउट होता क्या हम लोग देखते हैं। तो ये एक सिमेंटिक टैग होता है, ठीक है, और यूजिंग फॉर राइट टैग। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक सिमेंटिक टैग यूज होता है। ठीक है, सिमेंटिक टैग में आपका आ जाता है, पेज लेआउट में एक सिमेंटिक टैग होता है, सिमेंटिक टैग एंड नॉन सिमेंटिक टैग। ठीक, यहाँ पर टैग लिख देते हैं जिसको आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो सीमेंटिंग में आता है हमारा, जैसे आ गया हेडर, हेडर, ठीक, फिर आ जाएगा बॉडी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहे हम लोग, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं।
जिसे अब समझने में आसानी हो। सिमेंटिक टैग में हम लोग यूज करते हैं हेडर मेन फुटर, ठीक। सिमेंटिक टैग्स में आता क्या, नंबर वन पे आता है हेडर, दूसरे पे आता है क्या, हेडर के बाद मेन, मेन जो हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं मेन फंक्शन बना के, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हम लोग का फुटर, जो वेबसाइट के सबसे आखिरी में हम लोग लिखते हैं उसे बोलते हैं फुटर, ठीक। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग नॉन सिमेंटिक क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हम लोग का डिव स्पैन, ठीक है, डिव एंड स्पैन। डिव और स्पैन आपको भी समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है, आगे वाले आगे जो वीडियो लेक्चर जो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे आप लोग को इसके बारे में भी पता चलेगा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन टैग क्या होता है, ठीक। मेन टैग सिमेंटिंग के अंदर जो हम लोग मेन टैग के बारे में देखे थे वो क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए मतलब एक सेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन में हम लोग कोई भी मतलब एक टॉपिक लिख सकते हैं और बना सकते हैं, तो उसी को सेक्शन टैग, जो एक आपका एक प्रॉपर एक स्पेस लेगा उस स्पेस में और कोई चीज नहीं आएगा उसी को बोलते हैं सेक्शन टैग, ठीक। तो सेक्शन टैग में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हियर मैंने लिखा, इसको सेव किया तो देखिए हियर आ गया, मतलब एक प्रॉपर स्पेस ले लिया है, मतलब ये पूरा देखिए स्पेस जितना लिया उतना ही कॉपी होगा। मगर इसका देखिए एक मिनट, तो यहाँ पे मेन एक सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर ही हम लोग एक सेक्शन बन गया मेन पेज की और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल पेज, आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल टैग फॉर आर्टिकल ऑफ योर एनी पेज, मतलब आर्टिकल एक डेकोरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल मैंने लिख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं लाइन जो आर्टिकल में मतलब बीच बीच में लाइन को अगर आपका विड्थ चेंज करना हो हाइट का तो आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं आर्टिकल टैग को, ठीक है। अब दूसरे टैग को हम लोग देखते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंचर टैग, सबसे इंपॉर्टेंट टैग, ठीक है। अब एंचर टैग क्या होता है, उससे पहले हम लोग असाइड टैग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग असाइड टैग, असाइड टैग, ठीक। इसमें लिख देते हैं हेलो, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो असाइड टैग अब देखिए यहाँ पर लोग देते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक। देखिए ये पे सेपरेट एक लाइन कर दिया, मतलब इसका एक सेपरेट लाइन, इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग अपने असाइड टैग से, ठीक। अब लोग देखते हैं, अब लोग देखते हैं एंचर टैग, ठीक है। एंचर टैग क्या होता है, तो ये किसी भी लिंक को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एंचर टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गूगल का क्या है भाई, तो गूगल का आप लोग लिखते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि http ऐसे कर करके यहाँ पे कुछ होगा डॉट गूगल ऐसे करके आपका एक आता है प्रॉपर, मुझे नहीं पता अभी याद नहीं है, मतलब ऐसे लिखा। तो ये एंचर टैग से ही हम लोग को लिंक कोई भी मिलता है, ठीक है। तो एंचर टैग हम लोग बनाएंगे कैसे और क्या करेंगे कैसे करेंगे, दो हमारे एंचर टैग में होता है, कहाँ पे जाएगा क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमको गूगल पे जाना हो, ठीक, तो मैं यहाँ पे एक एंचर टैग बना दूंगा, ठीक, ए, ठीक, HREF। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे google.com, ठीक। आज से बंद करेंगे एंचर टैग और यहाँ पे लिख देंगे गूगल, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक लिंक क्रिएट हो जाएगा गूगल का, ठीक।
और जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप गूगल के ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे कैनॉट गेट गूगल टू पॉइंट, इसलिए मेरा कुछ गलत होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम के बाद इस पे दे दिया है, तो ये आपको सीधे गूगल के पेज पे जाके छोड़ देगा। अभी तो मेरा नेट कनेक्शन भी नहीं है, तो आप गूगल के इस पे चले जाइएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक लिंक को एक लिंक प्रोवाइड करता है या एक लिंक पे आप जा सकते हैं। ठीक, मैंने फिर यहाँ पर गूगल डॉट कॉम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गूगल, ठीक है, क्लिक हियर टू विजिट गूगल। ठीक, यहाँ पे सेव किया हम लोग ने, और यहाँ से इसको हटाते हैं, फिर से इसको सेव करते हैं एक बार, हम लोग एक बार फिर से लाइव करते हैं सर्वर पे, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया क्लिक हियर टू विजिट वेबसाइट। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल के पेज पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो यही आपका एंकर टैग करता है कोई भी चीज को पर्टिकुलर जगह पे भेजने के लिए। ठीक, तो अब हम लोग एंकर टैग में बहुत सारा टैग पढ़ सकते हैं, एट्रीब्यूट पढ़ सकते हैं, ठीक है, टारगेट कर सकते हैं और बहुत सारा चीज, ठीक है, इमेज उमेज सब हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इमेज टैग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज मैं एक इम्पोर्ट कर लेता हूँ, कट मत चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं इमेज, कोई भी एक इमेज ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कैमरा रोल में, कैमरा रोल में मान लो ये मैंने ले लिया। ठीक, इसको मैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में ऑल कोड वेबसाइट ये इसमें देते थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरा एक इमेज इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे अपने वेबसाइट में एक इमेज लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं img टैग। ठीक, फिर इसका सोर्स रहेगा कहाँ पे, तो सोर्स हमारा जो इमेज का नाम रहता है वो देते हैं। तो यहाँ पे जब लोग लिखेंगे विन, तो यहाँ देखिए हमारा इमेज आ जाएगा अल्ट। अगर अल्ट का क्या काम होता है, अगर आपका यूजर का नेट खत्म हो जाए, नेट स्लो हो, तो कुछ तो बताए भाई कि यहाँ पे इमेज है इसके बारे में, तो वो यूज होता है। तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ हियर इज इमेज। ठीक, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक, उसको यहाँ से, और यहाँ पे एक आप एक भी जैसे इमेज को बंद करने के लिए हम लोग को टैग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक, इसको जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा, देखिए इसको लाइव कर लेते हैं एक बार, और एक इमेज हमारा वेबसाइट पे पूरा शो होने लगेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इमेज है, इसलिए देखिए यहाँ पे इमेज दिखने लगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें तो इमेज का एक हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे H1 लिख सकते हैं, H1 हियर इज माई फोटो। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया हियर इज माई फोटो, और इसके बारे में भी आप कुछ लिख सकते हैं पी टैग के, मतलब पैराग्राफ टाइप से, हे प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखेंगे, इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये भी आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं किसी भी इमेज पे अगर हम लोग क्लिक करें, मान लीजिए इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, और मान लीजिए कुछ हो दूसरे लिंक पे चले जाए, जैसे गूगल के इमेज पे क्लिक करते हैं तो कहीं पे चले जाते हैं, तो वैसे के लिए हम लोग एंकर टैग को अटैच करते हैं इसके साथ। तो एंकर टैग हम लोग अटैच कैसे करेंगे, तो ए टैग और जो इसका क्लोजिंग है, ठीक है, सो क्लोजिंग को यहाँ से हटाएंगे। ठीक, इसको यहाँ से हटाएंगे हम लोग और इसके यहाँ पे लिख देंगे ए टैग, सॉरी एंकर यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा एक जो इमेज है वो लिंक हो चुका है। ठीक, ये लिंक हो गया, जब इस पर कोई यूजर ऐसे क्लिक करेगा तो ये कोई और साइड पे चल जाएगा। आप कौन सा साइड पे जाना है, तो मान लीजिए मुझे गूगल पे जाना है, तो गूगल डॉट कॉम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको जब सेव करेंगे
देख सकते हैं, सेव किया। देखिए यहाँ पे पहले मेरा एक एरो आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे हैंड आने लगा। देखिए एरो की जगह पे हैंड आने लगा, आप देख सकते हैं एरो की जगह पे हैंड आने। जब इस पे कोई क्लिक करेगा मेरे एक फोटो पे तो वो सीधे गूगल पे चले जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है, तो ये एंकर टैग और किसी भी लिंक इमेज को लिंक करने के लिए हम एंकर टैग को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोई और। अब मान लीजिए इमेज आपने सेट करना सीख गया, अब इमेज का देखिए आप हाइट ब्रिथ ये सब भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हियर इज इमेज के बाद लिख सकते हैं आप हाइट, हाइट मान लीजिए मुझे चाहिए 300 पिक्सल, 300 छोटा कर लेते हैं, मान लीजिए 200 पिक्सल, ठीक है। और ब्रिथ चाहिए हमें 200 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करते तो ऑटोमेटिक हमारा, देखिए जब लाइव करेंगे, गो लाइव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इमेज छोटा हो गया, देखिए यहाँ पे। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे गूगल के उस पर, तो यहाँ पे मेरा एक इमेज लिंक हो गया एंकर टैग के मदद से, ठीक है। कि अगर मेरा कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो सीधे के सीधे दूसरे वेबसाइट पे जंप कर देगा। तो ये होता है ये। तो अब मैंने आपको बताया कैसे एक इमेज भी सेट करते हैं, कैसे एक फोल्डर में लाते हैं वीजुअल स्टूडियो में, और कैसे एक एंकर टैग इमेज के साथ लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बटन बनाना, ठीक है। आप लोग देखा होगा कि यहाँ क्लिक हियर, तो ये इधर उधर बहुत सारा चीज लिखा रहता है, तो कैसे वो बनता है, तो अभी हम लोग देखेंगे बटन बनाना, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले बॉडी को रख के, यहां से इसको हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं हेडिंग H1 की मदद से, हियर वी आर क्रिएटिंग बटन, ठीक है। एक बटन बना ले हम लोग, ठीक है। तो बटन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बटन टैग यूज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बटन लिख देंगे और यहाँ पे बटन लिख देंगे, ठीक है। इसका टाइप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टाइप मतलब कैसा मेरा बटन रहेगा। तो मैं जब बटन मान लीजिए मुझे सबमिट ही बटन चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट हियर, ठीक। जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एक बटन आ गया सबमिट हियर के नाम से, ठीक है। जब इसको क्लिक भी कर सकते हैं, और अभी मेरा कोई भी चीज इसमें अटैच नहीं है तो ये कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे लिंक करना हो एंकर टैग के मदद से, तो एंकर टैग के मदद से हम लोग देखते हैं गूगल पे जाके google.com, ठीक। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे एंकर टैग को लगाते हैं, ठीक। इसको सेव करते हैं, तो देखिए अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर चला जाएगा। देखिए आप लोग कैसे गूगल के ऊपर चला गया, अगर कोई क्लिक करेगा इस पे तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर चला जाएगा। फिर देख लीजिए अगर कोई इस पे क्लिक किया तो गूगल के ऊपर चला गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी चीज को लिंक करते हैं एंकर टैग के मदद से, कोई भी चीज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखिए बटन बनाते हैं। बटन का टाइप मैंने सबमिट रखा है, ठीक है। इसका बहुत सारा आता है, सबमिट नहीं आप कुछ भी नंबर वंबर या बटन टाइप ही रख दे, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हटा देते हैं टाइप, बटन बटन भी एक टाइप होता है। इसको सेव करेंगे या फिर देखिए क्लिक करेंगे तो सीधे गूगल लिंक के ऊपर चले जाएंगे। मेरा नेट कनेक्शन नहीं है इसलिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक बटन कैसे बनाते हैं हम लोग अपने वेबसाइट में। मान लीजिए एक और बटन आपको चाहिए, बटन टैग यूज करते हैं, देख लीजिए बटन। अब यहाँ पे कैसा टाइप, टाइप लिखते हैं एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। टाइप में मान लीजिए मुझे चाहिए रीसेट, कि मेरा रीसेट हो जाए, और मैं लिख सकते हैं आप रीसेट वेबसाइट, ठीक। सेव करेंगे तो रीसेट वेबसाइट के नाम से जब इसको करेंगे तो मेरा वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे कुछ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा सुन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, गूगल के ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिया एंकर टैग इमेज कैसे लगाते हैं, ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है।
अब लोग देखेंगे डिव, जो मैंने आपको नॉन सिमेंटिक में बताया था कि डिव और स्पैन क्या होता है। तो देखिए डिव क्या होता है पहले जान लीजिए आप लोग। ठीक, एक हेडिंग बना लेते हैं डिव नाम से। ठीक है, डिव। ठीक, तो डिव एक कंटेनर होता है। ठीक है, डिव इज ए कंटेनर यूज फॉर अदर एचटीएमएल लैंग्वेज। ठीक है, एक एक ब्लॉक एलिमेंट, एक मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कर देता है वेबसाइट के लिए। ठीक है, किसी वर्ड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिव कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं डिव टैग। ठीक, डिव के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हे टुडे आई एम लर्निंग HTML। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेपरेट हो जाएगा, इसको सेव कर देखे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक मात्र इतना ही कॉपी होगा। ठीक, एक सेपरेट ये बन गया। अब इसके बाद आप अंदर इसके फिर एक डिव बना लीजिए, इसके अंदर लिख देते सेकेंड डिव, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलरली आपका स्पेस ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, देखिए इतना ही लेगा ये स्पेस। और मान लीजिए इसके अंदर आप इस डिव के अंदर एक इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इमेज मान लीजिए यहाँ पे मैं इस इमेज को लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, इसका हाइट ब्रेथ भी हम लोग सेट कर सकते हैं, हाइट 50 पिक्सल। ठीक है, छोटा लगता है, ब्रेथ 20 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करते हैं, देखिए छोटा इमेज हो गया। ठीक है, सेकेंड नीचे आ गया और मेरा इमेज ऊपर आ गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ऐसे हम लोग किसी भी इमेज के बगल में कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिव, हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग डिव आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट कब देता है, डिव के अंदर आप हम लोग आईडी प्रोवाइड करते हैं, आईडी प्रोवाइड करते हैं और क्लास प्रोवाइड करते हैं। ये आईडी सेपरेट होता है। ठीक है, इसको डिव में मात्र एक बार लगाया जाता है, और क्लास, क्लास को आप बार बार एक डिव में लगा सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी डिव इसके अंदर बनाते रहें, जैसे कि मैंने एक डिव यहाँ बनाया, दूसरा डिव यहाँ बनाया, तीसरा, चौथा, मतलब इसके अंदर बहुत सारा डिव बना सकते हैं हम लोग। ठीक, इसके अंदर भी एक डिव बना लिया, तो ये डिव बनते ही जाएगा, आप जितना बना ले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इमेज यहाँ पे स्टोर करूँ, इमेज इसको सेव करके देखते हैं, तो ये देखिए इसके नीचे एक और आ जाएगा, हाइट विड्थ इसका सेट कर देते हैं 23 पिक्सल, ब्रिथ 30 पिक्सल, इसको सेव करते हैं। तो देखिए सेकेंड इसके एक ये अपना स्पेस लिया। ठीक है, उस स्पेस में नहीं गया, इस स्पेस में नहीं गया, ये अपना एक अलग स्पेस लिया। तो ये डिव और स्पैन में हम लोग करते हैं कि एक चीज को अलग जगह दिखाते हैं, एक पर्टिकुलरली स्पेस लेगा वो, ये नहीं कि वो कुछ भी जहां बनवा हो जाए, एक पर्टिकुलर स्पेस लेगा, एक स्टेप से लेगा। ये देखिए ये पेरेंट डिव हो गया। ठीक है, ये जो डिव हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पेरेंट डिव हो गया, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो चाइल्ड डिव कहलाता है। ठीक है, जब आप CSS सीखेंगे तो आप मेन डिव का यूज समझेंगे, कैसे एक पर्टिकुलरली वर्ड को आप कलर करते हैं या कैसे आप करते हैं, वो आप उस समय ज्यादा सही तरीके सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्पैन के बारे में, तो एक डिव को रहने देते हैं और स्पैन बनाते हैं। ठीक है, स्पैन। ठीक, अब स्पैन एक पर्टिकुलरली चीज पे ही फोकस करता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं हियर, हियर आई एम प्रोवाइडिंग HTML लेक्चर। ठीक है, अगर मैं स्पैन, ठीक, यहाँ पे अगर स्टाइल करूं, इसका एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल, स्टाइल में अगर मैं इसका कलर, जिसका कलर है उसको ग्रीन कर दूं, ग्रीन, और ये जो मैंने स्पैन लगाया है इसको थोड़ा सा हे दिस हैड मीन कलर ग्रीन। ठीक है,
अब इसको जब सेव करेंगे तो देखिए मैंने स्पेन लगाया है डिव के अंदर, तो मात्र ये यहाँ तक स्टाइल लगाया है, जैसे हियर आई एम प्रोवाइडिंग लेक्चर, ये वर्ड ही सिर्फ ग्रीन होगा, ठीक है, और ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सेव करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हियर आई एम प्रोवाइडिंग HTML लेक्चर, ठीक, ये देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है और बाकी ब्लैक, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेन नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसी को स्पेन और डिव का मेनली फोकस ये आपका इसलिए लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए। जो आप CSS पढ़ेंगे तो आप उस समय समझेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। एक इनलाइन एलिमेंट को ही पर्टिकुलरली जहाँ पे स्पैन टैग लगता है वहाँ पे फोकस करता है और दूसरी चीज को दम इग्नोर कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्पैन मैंने यहाँ तक लगाया, यहाँ पे बंद किया, मगर ये जो हे दिस कलर जो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रीन, ये टारगेट नहीं हुआ। स्पैन जहाँ तक, जहाँ से खुला और जहाँ तक बंद हुआ, बस वही टारगेट किया। तो ये पर्टिकुलरली इनलाइन एलिमेंट का काम करता है, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग लिस्ट, एक कैसे लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं HTML में, ठीक है। जैसे लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5 के ऑर्डर में लिखा रहता है ABCD, तो उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। कैसे भी कोई भी चीज को ऑर्डर में और अनऑर्डर में लिया जाता है, ठीक है। लिस्ट टाइप में दो होता है, एक ऑर्डर एक अनऑर्डर। ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, और अनऑर्डर में आपका फुल स्टॉप लगा के होता है। एक मिनट राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप में आपका दो टाइप का होता है, एक ऑर्डर एक ऑन ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में आपका होता है, जैसे ऑर्डर में आ गया 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे करके आपका कोई भी चीज प्रिंट होगा, ठीक। ऑन ऑर्डर में आपका कैसा होगा, ऐसा मात्र डॉट लगा रहेगा, ऑर्डर आपका पता नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ऑर्डर के लिए हम लोग ol टैग यूज करते हैं, ठीक है, और अनऑर्डर के लिए ul टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड हेडिंग H2 से बना लेते हैं छोटा थोड़ा सा, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट का टैग लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट इज फॉर ol, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं ol, ol में कितना लिस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो li(3), ठीक। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं एप्पल, फिर यहाँ पे लिख दूं रेड, और यहाँ पे इसका साइज ओवल लिख देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो देखिए एक पर्टिकुलर वे में आ गया, एप्पल रेड ओवल, ठीक है। मान लिया एप्पल के जगह कुछ ऑफ फ्रूट के नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए बनाना लिख दिया, सॉरी बनाना लिख दिया, ठीक, बनाना लिख दिया, ग्रेप्स लिख दिया, तो ये फ्रूट के नाम हो गए, ठीक, ग्रेप्स। और यहाँ पे एक हम लोग सब हेडिंग दे सकते हैं H3 से, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट, फ्रूट नेम, ठीक है। जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रूट नेम आ गया, यहाँ पे एप्पल बनाना ग्रेप्स, ठीक है। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट में देखते हैं कैसा होगा, तो ऑन ऑर्डर के लिए हम लोग एक फिट टैग लगा देते हैं, फिर हम लोग H2 से लिख देते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट लिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ul टैग, ठीक है। फिर यहां से इंटर मारते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे ul और लिस्ट स्टाइल, मतलब कितने तरीका का, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी वही लिखते हैं
एप्पल बनाना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेप्स, ठीक। जब इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए तीन बड़ा बड़ा डॉग बन गया, ठीक है। तो यही फर्क होता है ऑर्डर और अन ऑर्डर में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑन ऑर्डर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं टेबल बना के, ठीक है, कि एक टेबल टेबल कैसे बनता है। मान लीजिए कोई भी फॉर्मेट में आपको टेबल बनाना हो कि ये टेबल बनाओ वो टेबल बनाओ, तो कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग टेबल टेबल एक बना के देखते हैं। एच वन टैक्स हम लोग लिख देते हैं टेबल, ठीक। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अरे टेबल मतलब 1 2 3 वाला नहीं, टेबल मतलब होता है किसी भी रियल लाइफ के बारे में, या जैसे एप्पल मैंने लिया तो एप्पल कितना केजी लिया, ये सब एक जैसे कि एक्सेल में होता है वैसे एक टेबल हम लोग बनाते हैं सेम टू सेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाने के लिए टी आर होता है, तो टी आर हम लोग टैग यूज करते हैं टेबल रो के लिए, और टी आर टी एच करते हैं टेबल हेड के लिए, ठीक है। और हम लोग टी भी हो सकते हैं टेबल डाटा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल एक टैग लगा लेते हैं, इसके अंदर ही बोलते हैं टी आर। फिर यहाँ पे टेबल हेडिंग क्या रहेगा, फ्रूट, मान लीजिए एप्पल लिख देते हैं हम लोग, या फ्रूट लिखते हैं आगे, फ्रूट हेडिंग हो गया। एक और हेडिंग बनाते हैं हम लोग केजी, ठीक। अब इस टी आर से बाहर निकलते हैं, फिर एक टी आर बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल डाटा, ठीक है। तो टेबल डाटा में हम लोग सबसे पहले या टेबल बॉडी भी लिख सकते हैं, या टेबल टेबल बॉडी में हम लोग लिखते हैं क्या एप्पल, ठीक। फिर यहाँ पे लिखते हैं टेबल बॉडी में 2 kg, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल में टेबल आ गया, फ्रूट में केजी आ गया, ठीक है। मगर यहाँ पर हम लोग टेबल हेडिंग नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टी डी, ठीक है, डाटा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रूट में आ जाएगा एप्पल, और वेट में आ जाएगा, वेट में कितना 3। इसको सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रूट के नीचे टेबल आ गया, अरे सॉरी फ्रूट के नीचे एप्पल आ गया और केजी में ये आ गया। तो इसको हम लोग फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है, इसको कॉपी, इसको रिपीट कर देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो देखिए फ्रूट में एप्पल एप्पल एप्पल, केजी में 3 3 3, 3 3 kg मैंने एप्पल लिया। अब यहाँ पे इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 2 pixel सॉलिड, ये सब आपको CSS में पढ़ना रहता है, सॉलिड रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है, सॉलिड रेड, रेड अभी कलर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक बन गया कि फ्रूट आपका एप्पल 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 केजी में 3 3 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एप्पल है, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, मान लीजिए ABC लिख दिया, ठीक है, ABR लिख दिया, यहाँ 5 kg या 4 kg, यहाँ पे एप्पल 5 kg लिख दिया, यहाँ पे एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 3 में क्या 34 kg, मतलब ऐसे आप दिखाएंगे तो ये आपका आउट होता रहेगा, यानी देखिए टेबल फॉर्म में आते रहेगा, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं, फिर टीआर टैग एक रो डिफाइन करने के लिए, तो और टीएच हेडिंग देने के लिए। तो हेडिंग मेरा क्या रहेगा, फ्रूट और इन केजी, यानी देखिए फ्रूट और केजी बन गया। उसके बाद फिर हम लोग टेबल रो करते हैं, टेबल रो में हमारा एक रो में एप्पल रहेगा, एक रो में आपका वेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल मैंने पहले यहाँ पे लिखा और वेट 3। फिर अगर दूसरा मुझे फ्रूट ऐड करना हो तो फिर मुझे टेबल रो चाहिए, तो फिर टेबल रो बनाएंगे हम लोग, और फिर इसको डिफाइन करेंगे कितना कौन सा फ्रूट रहेगा, कितना वेट रहेगा, ठीक है। तो इसी को मतलब जितना आपको कॉलम चाहिए वो आप टी आर से बना सकते हैं,
और टीडी से उसका डाटा इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक टेबल बनता है। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आप लोग को इस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे एक HTML या वेबसाइट पे फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म बनता है साइन इन हियर, मोबाइल नंबर, नेम, इंटर नेम, ये सब कैसे बनता है, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे एक बनता है। तो सर फॉर्म बनाने के लिए एक हेडिंग ले देते हैं फॉर्म के नाम से और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे फॉर्म टैग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूजर से कोई भी चीज इनपुट के लिए हम लोग इनपुट टाइप में टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा वैल्यू नहीं प्लेस होल्ड लिखते हैं। प्लेस होल्ड वो होता है कि आप कुछ भी लिखे हैं उसके बाद कुछ देर में जो कोई यूजर लिखने लगता है तो वो हट जाता है। प्लेस होल्ड में मान लीजिए मैं ले देता हूँ नेम, ठीक। मान लीजिए फिर एक इनपुट बनाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग Ctrl+C से, यहाँ पे भी, तो इसमें टेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस मांग लेते हैं, ठीक है, एड्रेस, ठीक। फिर एक बनाते हैं इनपुट में, इस बार हम लोग लेंगे नंबर, क्या लेंगे नंबर, ठीक। यहां पे लिख देंगे MOBILE मोबाइल नंबर, ठीक, इंटरियर मोबाइल नंबर, ठीक। अब मान लीजिए फिर एक इनपुट ले लेते हैं हम लोग जिसमें हम लोग लिखेंगे, इनपुट में हम लोग लिख दें अगर पासवर्ड, ठीक है, कोई पासवर्ड सेट करना चाहता हो तो यहाँ पे पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड हो गया। उसके बाद इसको सेव करते हैं और इतना ही देखते हैं रन करके। तो देखिए इनपुट, यहाँ पे नेम, यहाँ पे, तो ये देखिए प्लेस होल्डर होता है, मैंने प्लेस होल्ड लिखा है तभी मेरा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक। यहाँ पे फिर ईयर लिख दिया मैंने। अब देखिए मेरा सेव करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अगर मैं नेम लिख दूँ कोडर वर्ल्ड, ठीक, और यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ झारखंड JHRKHND, ठीक। और मोबाइल नंबर मान लीजिए मैं लिख दिया 1234567 8, जो लिखना हो लिख दिया, ठीक। और पासवर्ड देखिए यहाँ पे पासवर्ड मुझे दिख नहीं रहा है, ये होता है पासवर्ड टाइप का यूज करना। मान लीजिए मैं कुछ भी लिख दूँ पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड मैंने कुछ लिख दिया और इसको देखिए यहाँ पे देखने के लिए हमें आई पे क्लिक करेंगे तो मुझे शो होगा और उसको बंद करेंगे तो नहीं दिखेगा। ऐसे बनता है एक फॉर्म, ठीक। अब फॉर्म तो बन गया भाई, इसमें एक बटन भी होना चाहिए, तो बटन टाइप कैसा रहेगा सबमिट, ठीक है, कोई भी इस पर क्लिक करे तो ये इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाए, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप लिख देते हैं, ठीक है, साइन अप, ठीक। इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया, ठीक, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए नेम कुछ भी डाल दिया मैंने, एड्रेस कुछ भी डाल दिया, नंबर में देखिए टेक्स्ट नहीं ले सकता है, नंबर ही आपको डालना पड़ेगा, तो नंबर मैंने डाल दिया, पासवर्ड कुछ भी सेट कर दिया और यहाँ पे साइन अप करेंगे तो देखिए ये साइन अप हो गया, ठीक, और ये हट गया फॉर्म, अब न्यू फिल करेगा और यहाँ से आप सीधे अपने वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या कोई भी आप कॉन्टैक्ट जो डिटेल मांगना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपने देख लिया एक फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉर्म टैग लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग लिखते हैं इनपुट, इनपुट कोई भी यूजर का के बारे में डिटेल लेने के लिए। तो इनपुट टाइप में हम लोग को टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट हम लोग को मिला, ठीक है, और प्लेस होल्ड में नेम, ठीक। फिर मैंने दूसरा बनाया जिसमें भी टाइप टेक्स्ट रहा और तीसरा मैंने नंबर, पासवर्ड और एक बटन बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक फॉर्म अपने वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं,
आगे हम लोग देखते हैं कैसे एक अब हम लोग देखते हैं कैसे क्लास आईडी चेकबॉक्स अब हम लोग देखते हैं कैसे चेकबुक्स बनता है। ठीक है, चेकबॉक्स ठीक है, चेकबॉक्स वही होता है जो आप जब भी आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम दें तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे 1 2 3 4 बना रहता है और वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना रहता है। ठीक है, यहाँ क्लिक करिएगा तो ये आंसर आपका सेव हो जाता है। तो ये कैसे बनता है, तो ये भी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेबल बना लेता हूँ। ठीक है, लेबल और मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। एक मिनट, स्पेलिंग मैंने इधर कर दिया कुछ, टाइप और यहाँ पे चेकबॉक्स और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब और फिर इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स बन के आ गया और चेकबॉक्स यहाँ पे मैंने नाम दिया है चेकबॉक्स, इसलिए यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स आ गया। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए अनक्लिक कीजिएगा तो अनक्लिक, क्लिक कीजिएगा तो क्लिक, अनक्लिक कीजिएगा तो क्लिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्लिक और अनक्लिक दोनों आ रहा है। मान लीजिए इसको आप बहुत सारा बना सकते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ये क्या क्या हो गया, इसको सेव करेंगे तो देखिए बहुत सारा क्लिक यहाँ पे भी, इसको भी, और आपको अनक्लिक करना है तो इसी पे डबल टैप करेंगे तो अनक्लिक और क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको सेपरेट चाहिए तो यहाँ पे br टैग को लगा दें, एक सेपरेट लाइन में आ जाए तो br टैग br मतलब जो लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, एक नया लाइन में स्टार्ट होगा, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया। इसको सेव करेंगे तो देखिए चेक कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गुजरात झारखंड, अरे ठीक झारखंड, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या लिखते बताओ पंजाब। ठीक, मतलब ये कौन से आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं क्वेश्चन भी आस्क करूंगा। ठीक है, पंजाब फिर लिख देते हैं, क्या लिख दे बता दो यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। दिल्ली और दिल्ली इसको हटा देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक और स्टेट डाल देते हैं जिसका नाम रहेगा हरियाणा। ठीक, और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ H5 से। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा सा एरर आ गया, सेव करते हैं। देखिए फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग, अब बताइए कौन से स्टेट में से आते हैं, तो मैं यहाँ पे झारखंड टिक कर दूंगा। ठीक, और फिर अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एक बटन बना लूंगा, बटन इसका टाइप हम लोग दे देंगे टाइप सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के लिए सबमिट इसको सेव करते हैं, यहाँ पे एक बटन बन गया, मैंने यहाँ पे झारखंड लिखा और इसको सबमिट कर दिया, सबमिट मेरा आंसर सबमिट हो गया यूजर के पास। ठीक है, जो बैकहेंड होगा उसके पास ये चला चल जाएगा। तो ऐसे एक हम लोग चेकबुक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चेकबुक्स हो गया, सेलेक्ट हो गया, ऑप्शन वैल्यू दिल्ली, ये मतलब आप सेलेक्ट करके आप कैसे, आप देखिए मैंने बता दिया कैसे एक चेकबुक्स बनाते हैं एक फुल्ली एग्जाम्पल के साथ, तो आप देख सकते हैं अभी। ठीक, एक बटन भी बना के। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए सब तो सिखा दिए भाई, अब बता दो वीडियो कैसे होता है, कि वीडियो कैसे कोई भी यूज करते हैं हम लोग। तो वीडियो के लिए H1 बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वीडियो,
टैग, इसको काटते हैं वीडियो टैग। ठीक, तो वीडियो टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वीडियो टैग बनाते हैं। ठीक, वीडियो टैग अब इसका क्या रहेगा, तो इसका मान लीजिए वीडियो मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे मिल देता हूँ हियर इज वीडियो। ठीक, आप ऐड भी ऐसे ही अपने चला सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी वीडियो नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा है, तो ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टैग या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल हाइट वेथ लेंथ, ये सब आप लगा सकते हैं। आप अपने यूट्यूब का ये भी लगा सकते हैं, यूट्यूब का मतलब जो वीडियो बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो टैग यूज होता है। ठीक, तो भाई इतना ही था इसमें। और सबसे लास्ट में देखिए, आपको बताना भूल गया मैं, कमेंट टैग। कमेंट टैग, कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट टैग वो टैग होता है जो आपका विजुअल स्टूडियो पढ़ता नहीं है। ठीक है, वो स्पेशल कोई भी टॉपिक बताने के लिए, कि कोई टॉपिक बता रहे हैं उसके लिए वीडियो टैग यूज होता है कमेंट टैग। तो मान लीजिए कमेंट टैग कैसे यूज होता है, तो कमेंट टैग यूज करने के लिए हम लोग को जो CTRL नीचे दिया है और वो उसके ऊपर देखिए CTRL प्लस यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन अब मेरा HTML रीड नहीं करेगा, इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या फॉर कमेंट टैग, की फॉर कमेंट टैग। ठीक है, तो क्या होता है, CTRL उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वाले जो बटन या स्लैश बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही था, आप बताइएगा आपको कैसा ये वीडियो लगा। ठीक है, कि कैसा आपका वीडियो लगा मतलब सब बताइएगा कमेंट में प्लीज भाई। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा डिफिनेशन लिस्ट पूरा मैंने एक जो मेनली एक होता है वो आपको बता दिया, कैसे लिंक ऐड करते हैं वेबसाइट में या कैसे क्या काम करते हैं, वो मैंने आपको सब फुल्ली बता दिया। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आई एम सॉरी, मगर मैंने जहाँ तक हुआ आपको सब बता दिया। ठीक है भाई, मात्र एक घंटे के वीडियो में। ठीक है भाई, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।